नहीं पता ये हाउस कहाँ होता है बर्फ। हाय अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा। इग्नू, हाँ इग्नू है, इग्नू है, इग्नू, इग्नू है, इग्नू। चढ़ पाएगी, चढ़ पाएगी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपने सुना कि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो यस हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। और हमारे साथ में आज ये बाबू है, मयंक और सुनीला। तो हम तीनों जा रहे हैं कश्मीर। आप वीडियो का एंड तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है कश्मीर की वादियों में घूमने। तो हम लोग आज इसी स्कूटी में जाने वाले हैं और हम लोग इसी से आज राइड करने वाले हैं। थोड़ा कितना दूर है, कितना किलोमीटर है यहाँ से? हाँ तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का सफर तुकुदाना से। तो चलते हैं, ये है तुपुदाना चौक और इधर जाएगा रबरीसा चौक और फिर ये है फूटी रोड। तो गाइस हम लोग को ये बायोडाइवर्सिटी, ये रिंग रोड है ना, मतलब ये रिंग रोड निकलेगा ना, तो रिंग रोड वाला रास्ता में निकलेंगे चौक से। तो हम लोग तुपुदाना से निकल रहे हैं। तुपुदाना से 2 या 3 किलोमीटर होगा स्नो लैंड के लिए। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं स्नो लैंड और हम लोग अब हम लोग गाड़ी पार्क करके चलते हैं टिकट काउंटर। सामने में टिकट काउंटर है। तो गाइस हम लोग गूगल में यूट्यूब पे सर्च करके आए हैं यहाँ पे लोकेशन, कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन स्नो लैंड का और फिर यहाँ का टिकट का दाम कितना है। तो सच में यहाँ टिकट का दाम है 800 रुपये पर हेड। तो गाइस हम लोग टिकट तो ले लिए, अब यहाँ हम लोग गेट में चेक इन करा रहे हैं। चेक इन करने के बाद में हम लोग कर रहे हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ का सीन बहुत ही मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एंटर करने से पहले शू कवर दिया जाएगा। जो बाहर से हम लोग जो कुछ भी शू या स्लीपर पहन के जाएंगे वो सबमिट करना है। तो हम लोग अपना सबमिट कर, मयंक थोड़ा बताओ कैसे लग रहा है? और भी ठंडा लग रहा है, यहाँ से कॉस्ट्यूम लेना है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब ये काउंटर और यहाँ से हम लोग यहाँ से ले रहे हैं अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और आपको अपना अपना साइज का मिल जाएगा। आप मेरा फाइव, गाइस हम लोग बिल्कुल तैयार हो रहे हैं अंदर जाने के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ पे खेल सकती है, देखो बस इतना ही है और इसको भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अंदर कुछ ऐसा है सीन, बर्फ है बिल्कुल, एसी चल रहा है, डीजे बज रहा है और एक छोटा सा इग्लू हाउस बना हुआ है। ये इग्लू होता है बर्फीला जगह में ऐसा घर बनाया जाता है, ऐसा हमने बुक में पढ़ा था। हाय अंधेरा दिख रहा है, देखो अंधेरा। इग्नू, हाँ इग्नू है, इग्नू हाउस, इग्लू, इग्लू, इग्लू है। तो
तो बिल्कुल मजा आ रहा है अंदर में, कूल कूल ठंडा बर्फ। और सुनीला का तो ग्लव्स ही गिर गया कहाँ पे, फिर बहुत ढूंढने के बाद में मिला उनका ग्लव्स ही गिरा हुआ था। तो आप यहाँ पे खेल सकते हो बहुत सारा गेम। और अंदर में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप यहाँ पे आ करके डांस कर सकते हैं और बर्फ का मजा ले सकते हैं, बर्फ ही मिलेगा। और टाइम लिमिट है 1 घंटा का। और अंदर में कुछ कुछ चीज़ें बनाई गई हैं जो थोड़ा अट्रैक्टिव है। और हाँ, यहाँ का टेम्परेचर इतना कम है कि मोबाइल का जो बैटरी है वो डाउन हो चुका है मेरा तो, और मेरा मोबाइल भी ऑफ होने वाला है, तो हम ज़्यादा वीडियो कवर नहीं कर पाए हैं। बट अंदर में जो कुछ भी है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।